फ्रेंड, मैं हूं शुभजीत मंडल और आप देख रहे हो शुभजीत क्रिकेट न्यूज। शुभजीत क्रिकेट न्यूज फिर एक बार आपके पास लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। आइए जानते हैं आज शो में क्या है खास। एक नंबर, आईपीएल के लिए सीएसके के लिए है अच्छी खबर। दो नंबर, धोनी की टेंशन खत्म करेगा एक गेंदबाज। तीन नंबर, बीच आईपीएल सीएसके में इस खिलाड़ी की होगी एंट्री। चलिए अब जानते हैं क्या है खबर। धोनी की टेंशन हुए खत्म, बीच आईपीएल में सीएसके के लिए खेलता दिखेंगे ये खूंखार गेंदबाज। चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के लिए आईपीएल 2022 शुरुआत से पहले टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बीच आईपीएल में सीएसके के टीम में एक बेहतरीन गेंदबाज की होगी एंट्री। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2022 ओपनिंग मैच की तैयारी तेज कर चुकी है, लेकिन टीम को सीजन शुरू होने से पहले ही एक बड़ा झटका लगा था। चेन्नई के तेज गेंदबाज दीपक चहर वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वो श्रीलंका सीरीज से भी बाहर हो गए थे। ऐसे में सीएसके के कप्तान एमएस धोनी के लिए दीपक चहर की जगह पूरा करने बड़ी टेंशन बनी हुई है। इन सब के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जो धोनी के टेंशन की भी कम कर देगा। दीपक चहर की इंजरी पर बड़ी खबर सामने आई है। सीएसके में 14 करोड़ रुपये की खिलाड़ी को जल्द टीम में वापसी होने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दीपक चहर चोट के सर्जरी नहीं कराएंगे, इससे वो अप्रैल के बीच तक लीग में हिस्सा लेने के लिए फिट हो जाएंगे। चाहर अभी बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA में रिकवर कर रही है। उनका रिहैब प्रोग्राम 8 हफ्ते को है। चेन्नई की टीम ने शुरुआत में आईपीएल के लिए एक न्यूज़ जारी कर दी है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है दीपक चहर शुरुआत में लेग एक्सप्रेस कैंप के जल्द से जल्द ज्वाइन करें। वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था चोटिल, दीपक चहर को पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में चोट लगी थी। तीसरे T20 में दीपक चहर के पैर में गंभीर चोट लगी थी, उनके बैक साइड मसल में चोट लग गया थी। इसके वजह से वो श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर हो गई है और अब 26 मार्च से शुरू हो रहा है आईपीएल के कोई मैचों में अभी उनका खेलना नामुमकिन है। लेकिन चोट की सर्जरी ना करने की वजह से वो आईपीएल के शुरुआती मुकाबले में बाद टीम में प्लेइंग 11 के हिस्सा बन दिखाई देंगी। ऑक्शन में मिले थे 14 करोड़ रुपये। मेगा ऑक्शन 2022 से पहले टीम ने दीपक चहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटर्न नहीं किया था, लेकिन ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगा खिलाड़ी रहे थे दीपक चहर। वो आईपीएल की नीलामी में हिस्सा के सबसे महंगा भारतीय तेज गेंदबाज भी बने थे। सीएसके ने ऑक्शन में 14 करोड़ रुपये की रकम में दीपक चहर को खरीदा था। 2017 में पुणे के लिए खेलने के बाद 2018 से वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली सीएसके के लिए खेल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल 2022 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। दीपक चहर